हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज है भाई पटाया का दूसरा दिन, तो अभी जा रहे हैं पहले ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि हमने होटल वगैरह टिकट करवाई थी तो ब्रेकफास्ट इंक्लूड ही है। तो 10 बजे तक वहां का टाइम है, 10 मिनट रह गए भाई, अभी जल्दी है, जल्दी से सबसे पहले ब्रेकफास्ट करें। हर बार की तरह फिर से मिथिश शर्मा अभी तक रेडी नहीं हुए भाई, ये हमें लेट करते हैं। तो भाई शर्मा जी भी तैयार हो गए, तो मुझे भी तैयार हो गए, नायरा भी रेडी है, बस अब जल्दी ब्रेकफास्ट करें क्योंकि 10 बजे का ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगी भाई। तो भाई यहाँ पे है इनका बफे, ये सामने आप देख सकते हो, यहाँ करेंगे हम ब्रेकफास्ट। तो भाई देख सकते हो यहाँ राइस लगा है, और इसके साथ हम दिखाएंगे आपको, ये देख सकते हो मिक्स वेज, ये चिकन आइटम है भाई, नॉन वेज, ये चिकन, चिकन करी। तो भाई हमने ले लिया अपनी ब्रेकफास्ट, ये देखिए राइस, वेजिटेबल, यहाँ हम तो खाएंगे भाई ऑमलेट विद नॉन परांठा। तो भाई यहाँ से मैंने अपने लिए ले लिया स्लीपर, क्योंकि अभी बीच में जाएंगे तो भाई वहाँ पे उन्होंने स्पेशल बोला कि स्लीपर होनी चाहिए, शूज़ वगैरह नहीं पहन सकते, तो डेट्स वाई अब ये परचेज करनी पड़ी। और ये आई है भाई 100 बात, तो आप जब भी इंडिया से आए तो साथ लेके आए भाई। तो भाई अब हम निकल रहे हैं कोरल आइलैंड के लिए, नीचे कैब वेट कर रही है, 5 मिनट लेट हो गए हम, जल्दी से बुला रहे हैं, जल्दी से पहुंचे तो चले कोरल आइलैंड, फिर आपको दिखाए हम कोरल आइलैंड। भाई मिसेस शर्मा यहाँ पे ले रहे हैं अपने लिए हैट, तो हम उनका वेट कर रहे हैं, तब तक सोचा आपको बीच दिखा दें थोड़ी। तो ये जस्ट होटल के सामने का व्यू है भाई, तो अब मिसेस शर्मा आ जाए जल्दी। तो भाई मिसेस शर्मा ने हैट ले लिया अपने लिए, कितने बात की आई, 150 बात भाई, इसलिए इंडिया से लाना, वहाँ सस्ती पड़ेगी, 150 बात यहाँ के हो गए भाई 450, इंडिया में आ जाएगी 200 तक। कौन कहता है भाई प्यार की उम्र नहीं होती, हम तो चलो बच्चे हैं, आपको उम्र वाले प्यार भी दिखाते, देखना चाहते हो तो देखो, ये बैठे भाई, कोई उम्र नहीं होती प्यार की। तो भाई हम बैठेंगे इस गाड़ी में, पैसेंजर गाड़ी में, यार एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, यहाँ हर गाड़ी के मिरर आपको ब्लैक मिलेंगे, हर गाड़ी के। तो भाई निकल चुके हैं हम कोरल आइलैंड के लिए, तो यहाँ से हार्डली 10 मिनट लगेंगे हमें पॉइंट तक पहुँचने के लिए, जहाँ से हमें यॉट मिलेगी या शिप मिलेगी कोरल आइलैंड के लिए। तो भाई जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा भाई, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो भाई। तो भाई देख रहे हो रोड्स कितनी क्लीन है, कितनी नीट एंड क्लीन है भाई, तो व्यू देखो यार, मैं तो भाई फैन हो गया हूँ यहाँ का, क्या व्यू है यार। तो एक बार भाई आओ यहाँ पे, बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत ही अच्छी यार टूरिस्ट के लिए यहाँ पे। तो अब यहाँ से आप भाई वो सामने देख सकते हो, आपको आई थिंक कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, वो सामने पटाया सिटी, ये पॉइंट है, यहाँ से हमें मिलेगी शिप अपने कोरल आइलैंड के लिए। तो बस यहाँ से हार्डली 2-4 मिनट लगेंगे, ये वॉकिंग स्ट्रीट है भाई, ये रात को देखोगे यहाँ पे इतना हल्ला होता है, तो अभी देखोगे तो एकदम शांत है भाई, रात को पार्टी चलती है, दिन को सब सो रहे होते हैं। तो ये वॉकिंग स्ट्रीट से निकल रहे हैं हम, यही रास्ता जाता है पटाया बीच की तरफ, तो यहाँ से हम लेंगे शिप कोरल आइलैंड के लिए। तो आज रात को हम दिखाएंगे गाइस आपको कि यहाँ पे क्या शोर शराबा था रात को, पार्टी क्लब वगैरह सब, तो व्लॉग के साथ बने रहना भाई। तो यहाँ पे जैसे कि यार बहुत टूरिस्ट रहता है, तो ये कुछ कोड है इनका होटल का, हम कौन से होटल से आए, कितने मेंबर्स हैं, तो हम 5 मेंबर्स हैं, तो ये कोड लगाए इन्होंने, सबको लगा रहे हैं, लग चुके हैं भाई अपनी बोट आने वाली, अब जाएंगे बोट में कोरल आइलैंड। चलो भाई आ गई अपनी बोट, हम जाएंगे बोट की तरफ, देख सकते हो ये टुक टुक यहाँ की लोकल। तो भाई ये सब लाइन में लगे हैं, और बस अब जैसे ही बोट आएगी सबका नंबर लगेगा भाई जाने का। तो व्यू देखो यार, ये सामने पटाया सिटी, तो ये देख सकते हो भाई शिप्स, क्या व्यू है यार भाई। ये जा रहे हैं हम अपनी बोट की तरफ, तो मैसेज शर्मा हमेशा पीछे रह जाते हैं यार, अभी भी देखो हम पहुंच के आगे, ये पीछे पीछे आ रहे हैं भाई, हमेशा लेट करते हैं हमें ये। तो भाई ये देख सकते हो हम आगे बोट में, फास्ट बोट है भाई, भाई अपनी बोट चल चुकी है, अब यहाँ से आधा घंटा लग जाएगा कोरल आइलैंड को।
भाई काशनी तो मस्त होके बैठ चुकी है भाई, बस ये कह रही है पापा कब आएगा कोरल आइलैंड यार, एंजॉय कर रहे हैं। तो ये अब रास्ते में इन्होंने हमें किया 10 मिनट के लिए, क्योंकि यहाँ किसी ने कोई भी एक्टिविटी करनी है अंडर सी वाटर या पैराशूट में कोई भी एक्टिविटी करनी है तो भाई यहाँ पे आप टिकट कटवा सकते हैं, तो यहाँ एंजॉय कर सकते हो। ये देख सकते हो आप यार, ये सामने देख सकते हो आप ये पैराशूट में, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ आप यहाँ कर सकते हो। तो भाई पहुँच गए हम कोरल आइलैंड, तो भाई उतर गए कोरल आइलैंड। ये हमारा ग्रुप है जो हम इकट्ठे आए 10-12 बंदे, तो ये अब ले जा रहे हैं हमारा ग्रुप जहाँ भी हमने रुकना है, पहले वहाँ मीटिंग होगी कह रहे हैं, देखते कहाँ मीट है क्या है। तो देख सकते हो यार एंजॉय कर रहे हैं लोग यहाँ, देख सकते हो आप। तो भाई देखो यार यहाँ ये तो बस आते ही इंजॉय करने लगे, करें भी क्यों ना यार, आए हम एंजॉय के लिए यहाँ, बहुत मज़ा आ रहा है भाई। ये देखो क्या व्यू है भाई, मस्त एकदम। दोस्तों सबके पास फूल हैं, मेरे पास ही फूल हैं, फूल चाहे गोभी के हो चाहे गुलाब के हो, लेकिन वो अलग बात है कि मेरे पास गोभी के फूल हैं। अभी जस्ट कोरल आइलैंड से पहुंचे, ये अपनी बोट पार्क हुई है नीचे, तो बस अब चलें भाई लंच करें, थोड़ा भूख लगी है। लंच हो गया ना यहाँ पे मुंबई मैजिक करके रेस्टोरेंट है, अभी बाहर आए बस, अब गाड़ी की तरफ चलें फिर जाए रूम में रेस्ट करें थोड़ा सा। गाइस देखो भाई यहाँ पे ले रहे हैं हम इस टाइम बैंकॉक में स्विमिंग पूल का मजा, सॉरी पटाया में, तो आप एक बार जरूर आए यार, बहुत मजा है यार, बहुत मजा कर, मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन अकेले हैं हमारी छम छलो जो है वो बाहर बैठी हुई है, वो भी अगर हमारे साथ आए तो और मजा आ जाए। ऊपर से ये काशनी जो है ये हमें तंग कर रही है। तो भाई दिन को कैसे कोरल आइलैंड वहाँ से आए तो थक गए थे भाई, आके सो गए, तो अभी उठे स्विमिंग पूल गए वहाँ से नहा के आए, तो अब रेडी हुए अब जा रहे हैं भाई हम वॉकिंग स्ट्रीट, वहाँ भी देखने आया क्या चीज़ वॉकिंग स्ट्रीट, आज तक टीवी पे देखा है यूट्यूब पे देखा है बट अब ऐसे देखेंगे लाइव।